बैक क्रॉस एंड टेस्ट क्रॉस। बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस की आज अपन बात करेंगे। किसी भी F1 जनरेशन का, जैसे कि अपन बात करें अगर येलो फ्लावर एंड राउंड शेप, ग्रीन फ्लावर एंड रिंकल्ड शेप, इसकी F1 जनरेशन जो होगी एक तरह का गैमेट बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर, स्मॉल वाई स्मॉल आर, और F1 जनरेशन जो होगी वो होगी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। ये वो कहलाएगी इसकी F1 या फर्स्ट फिलियल जनरेशन। यदि फर्स्ट फिलियल जनरेशन का क्रॉस कराया जाता है उसके पेरेंट से तो उसको कहते हैं बैक क्रॉस। जैसे सपोज इसका अपन क्रॉस कराएं कैपिटल वाई कैपिटल आर एंड कैपिटल आर से, सॉरी, तो ये क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। इसमें कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? चार प्रकार के, कैपिटल वाई कैपिटल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर, स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई इन स्मॉल आर। और इससे कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे? एक प्रकार का वो होगा कैपिटल वाई एंड कैपिटल आर। तो जो इससे जो नेक्स्ट जनरेशन जो पैदा होगी उसका फिनोटाइप किस तरह का रहेगा? जो सारे के सारे हैं वो डोमिनेंट करेक्टर वाले होंगे। क्यों? क्योंकि इसमें कैपिटल वाई और कैपिटल आर है, ये चाहे इसके साथ एसोसिएट हो, चाहे इसके साथ जुड़े, चाहे इसके साथ जुड़े या इसके साथ जुड़े, इसमें हमेशा कैपिटल वाई प्रेजेंट रहेगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा येलो कलर के लिए, और ये कैपिटल आर प्रेजेंट रहेगा जो कि रेस्पॉन्सिबल होगा राउंड शेप के सीड्स के लिए। तो इसमें जो रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, यानी कि ग्रीन कलर और रिंकल्ड शेप दिखाई नहीं देंगे। अगर इसको क्रॉस को कहते हैं बैक क्रॉस। अगर ये क्रॉस अपन रिसेसिव पेरेंट से कराएं, यानी कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर का क्रॉस अपन कराएं स्मॉल वाई स्मॉल आर से, तो इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे? चार तरह के, कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर एंड स्मॉल वाई स्मॉल आर। इससे कितने तरह के गैमेट बनेंगे? केवल एक तरह का, कौन सा? स्मॉल वाई एंड स्मॉल आर। तो इससे बने चार तरह के गैमेट और इससे बना एक तरह का गैमेट। तो इनको सब अपन ये इसके साथ मिलेगा तो इसका जो फेनोटाइप बनेगा वो होगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। जब भी इसके साथ जुड़ेगा तो इसका फेनोटाइप निकलेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब भी इसके साथ जुड़ेगा तो ये इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। जब भी इससे जुड़ेगा तो इसका जो जेनेटिक मेकअप होगा वो होगा स्मॉल वाई स्मॉल आर। इसका फिनोटाइप कैसा रहेगा? ये रहेगा येलो कलर एंड राउंड शेप, इसका येलो कलर रिंकल्ड शेप, ये रहेगा ग्रीन कलर एंड राउंड शेप्ड, और ये रहेगा ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। तो इसका जो रेशियो आएगा आएगा 1:1:1:1 का फिनोटिपिक रेशियो आएगा, एज वेल एज जीनोटिपिक रेशियो भी रहेगा इसका। तो ये रहेगा येलो कलर राउंड शेप, येलो कलर रिंकल्ड शेप, ग्रीन कलर राउंड शेप एंड ग्रीन कलर एंड रिंकल्ड शेप। तो ये जो क्रॉस कराया जा रहा है इसका F1 जनरेशन का वापस उसके रिसेसिव पेरेंट के साथ में, तो ये भी कैसा क्रॉस हुआ? बैक क्रॉस। लेकिन जब रिसेसिव पेरेंट के साथ में क्रॉस कराया जाता है
तो वो जो क्रॉस है वो कहलाता है टेस्ट क्रॉस। दोनों क्रॉस बैक क्रॉस हैं, चाहे वो डोमिनेंट से हो चाहे वो रिसेसिव हो, लेकिन जब ये रिसेस, क्योंकि जब डोमिनेंट से क्रॉस करा रहे हैं तो सारे के सारे फिनोटाइप जो हैं वो डोमिनेंट के ही आएंगे, रिसेसिव नहीं आएगा, और जब रिसेसिव से क्रॉस कर रहे हैं तो 1:1:1:1 का रेशो आएगा। ये टेस्ट कहलाता है टेस्ट क्रॉस, ये क्रॉस टेस्ट क्रॉस कहलाता है, क्योंकि ये बताता है कि जो F1 जनरेशन थी वो हिट्रोजाइगस येलो एंड राउंड शेप थे। अगर ये होमोजाइगस राउंड और येलो एंड राउंड शेप होते तब क्या होता कि फिर क्या होता, कोई भी रिसेसिव करेक्टर डेवलप नहीं हो पाता, ना इसमें येलो के साथ में रिंकल्ड शेप के सीड्स हो सकते, ना ग्रीन के साथ में रिंकल्ड शेप हो सकता या राउंड शेप हो सकता। तो दोनों दोनों सिर्फ एक ही तरह का मिलता, वो होता येलो कलर एंड राउंड शेप, ना येलो के साथ में रिंकल्ड आता ना राउंड के साथ में ग्रीन आता। तो इस तरह से ये जो टेस्ट है वो क्रॉस कहलाता है टेस्ट क्रॉस। दोनों क्रॉस बैक क्रॉस हैं, रिसेसिव डोमिनेंट के साथ हुआ तब भी और रिसेसिव साथ होता तब भी, लेकिन जब रिसेसिव के साथ में तो इस क्रॉस को कहेंगे अपन टेस्ट क्रॉस।